बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको क्यूटिश की रेडी टू वाइट मिल्की वाइटनिंग क्रीम का रिव्यू दूंगी। ये क्रीम आप किसी भी बड़े कॉस्मेटिक स्टोर से इजीली ख़रीद सकते हैं, नहीं तो आप इसे दराज और इंस्टाग्राम से भी मंगवा सकते हैं। इसकी जो प्राइस है 700 से 800 रुपीज़ के करीब है। अगर आप इसे किसी कॉस्मेटिक स्टोर वगैरह से ख़रीदते हैं तो ये आपको 700 रुपीज़ में पड़ेगी। अगर आप इसे ऑनलाइन मंगाते हैं तो ये आपको 800 मिलेगी और वो भी डिलीवरी चार्जेस के साथ। तो इसका जो नेट वेट है वो 120 ग्राम है। ये तुर्किश वालों का फार्मूला है और इसका कहना है कि ये बहुत ही आपको कम वक्त में यानी ओनली 3 मिनट में ये आपको गोरा कर देगी। तो अब बात करते हैं कि ये क्रीम क्या काम करती है। तो जैसे कि इसके ऊपर मेंशन किया गया है कि ये वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, मॉइस्चराइजिंग और पोर टाइटनिंग के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पर इन्होंने इसके बेनिफिट्स के बारे में बताया हुआ है, हेल्प दी रैपिड मेटाबॉलिज्म ऑफ अ पिगमेंटेड, और ये स्किन सेल्स जो होती हैं, उन जो डैमेज स्किन सेल्स होती हैं उनको भी रिपेयर करती है। अल्ट्रा वोल्टेज रेज जो है उनसे ये आपकी स्किन को बचाती है। और मॉइस्चराइजिंग इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं और ये आपको एलिमिनेट्स ड्राइनेस, आपकी जो ड्राइनेस है उसको भी ख़त्म करती है। और यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी और डिटेल में बताया हुआ है कि ये आपकी स्किन पे क्या काम करती है। तो ये लेज़र है, फेस पॉलिश है, फेस पील है, एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिंस मास्क के तौर पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे आपने अप्लाई किस तरह से करना है, आपने थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी लेनी है। आपने अपने फेस पर, अपने नेक पर इसे अप्लाई करना है। हल्के हाथ से आपने इसे मसाज करते हुए अपने स्किन में जो है इसे अच्छी तरह से अपने एब्जॉर्ब करना होता है। तो अब मैं आपको इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स और बेनिफिट्स के बारे में बताती हूँ। तो ये ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल बेस्ट क्रीम है, वो इसे आराम से लगा सकते हैं, मगर ऑयली स्किन वाले इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लगाने के बाद जो हमारी स्किन है वो हल्की सी ऐसे चिपचिपाहट सी महसूस होती है। तो वो ऐसी हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है और थोड़ी सी, और हमारी स्किन के जो पोर्स हैं वो भी टाइट हो जाते हैं। तो ये हमारी स्किन को वाइट भी करती है। मगर इस क्रीम को जो है हम विंटर में नहीं यूज़ कर सकते, इसे हम सिर्फ समर सीज़न में ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि विंटर में ये आपकी स्किन को और ज़्यादा ड्राई कर देगी। तो ये समर सीज़न के लिए वैसे हम कह सकते हैं कि ये बेस्ट क्रीम है, क्योंकि ये हमारी स्किन के जो पोर्स हैं उन्हें भी टाइट कर देती है और हमारी स्किन को ब्राइटनेस भी देती है। अल्ट्रा वोल्टेज जो छुआई हैं उससे ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। हाँ, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो ये क्रीम जो है उनके लिए कोई ख़ास फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन जो बैरून ममालिक में रहते हैं उनके लिए ये क्रीम बेस्ट है, वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉट डेज़ में जब भी आप बाहर जाएं या आप घर पर हैं तो आप इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर जाने से पहले आप इस क्रीम की हल्की सी जो है क्वांटिटी है अपने फेस पे लगाएं, उसे ऑब्जर्व करिए आप स्किन के अंदर, और फिर आप जब चाहें आप बाहर जा सकते हैं। लेकिन आप घर पर हैं तो घर पर भी आप इसे लगा सकते हैं। आप दिन में इसे 2 दफ़ा लगा सकती हैं, सुबह और शाम को। अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ कि ये किस शेप और किस कलर में है। ये देखिए, ये इस तरह से एक खूबसूरत सी पैकिंग में है और इसके ऊपर इन्होंने पहले ही मेंशन किया, सो इजी वाइटनिंग ओनली 3 मिनट, यानी 3 मिनट में यही आपको गोरा गोरा बना देती है। तो अब मैं इसे आपको अपने हैंड पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से वाइट शेड में है। तो इस तरह से आपने इसे अपनी स्किन पर अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के बाद अपने हल्के हाथ से मसाज करना है। मसाज करते हुए आपने इसे अपनी अच्छी तरह से अपनी स्किन में इसे रैप करना है। ये देखिए, इस तरह से ये आपको इंस्टेंट वाइटनिंग देगी, ये आपकी स्किन को, आपकी नेक को जो है ना इस तरह से आपको वाइट कर देगी। ये इस क्रीम का एक बेनिफिट ये है कि जब आप इसे अपनी फेस पर, अपने नेक पर अप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल भी इसी तरह से नहीं उतरेगी, चाहे आपको कितना भी पसीना आ जाए या आपको पानी से अपने फेस को वॉश करेंगे, तो ये जो क्रीम है यह पानी से बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। इसके लिए जब तक आप सोप से अपने फेस को वॉश नहीं करेंगे उस वक्त तक ये क्रीम अपने आपके फेस से नहीं उतरेगी। तो इस क्रीम को आपने दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। तो 6 घंटे के बाद आपने अपने फेस को सोप से अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने इसको दोबारा अप्लाई करना है। वैसे मैं इसे एक बेस क्रीम भी कहूँगी, क्योंकि ये आपकी स्किन पर एक मिल्की सी तह बना देती है, जिससे जो है आपकी स्किन जो है वह अल्ट्रा वोल्टेज छुआई से बच जाती है। आपकी स्किन जो है वो डल भी नहीं होती, डैमेज भी नहीं होती, आपकी स्किन जो है ठीक रहती है।
तो हम कह सकते हैं कि तुर्किश फार्मूला की ये जो क्यूटिश रेडी टू वाइट मिल्की वाइटनिंग क्रीम है, इसके बेनिफिट भी हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो आप इसे विंटर में मत यूज़ करिए, आप इसे समर सीज़न में जितना चाहें यूज़ कर सकती हैं। तो उम्मीद है ये जो रिव्यू है आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।